हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन क्रिमिनल में। आपको क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताऊँ कल की। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शेड्यूल मिल सके। पहले वीडियो खबर करो करें खबर निकल के आ रही इंडिया इंग्लैंड के बीच जो पहला T20 मैच 12 मार्च से खेला जाएगा उससे रिलेटेड खबर निकल के आ रही। अभी भी ये सस्पेंस बना हुआ है कि टी नटराजन पहले T20 मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी तक कोई कुछ भी तय नहीं किया गया है कि टी नटराजन पहले T20 में अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। अभी तक टी नटराजन अभी भी इंजर्ड हैं और अभी तक भी उन पर सस्पेंस बना हुआ है कि पहले T20 मैच में टी नटराजन खेलते हुए दिखेंगे या नहीं, क्योंकि टी नटराजन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। इस वक्त अगर बात की जाए तो T20 के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज पिछले 3-4 महीनों में टी नटराजन ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है और उनको अभी भी सस्पेंस बना हुआ कि वो पहले T20 मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी तक कुछ रिपोर्ट नहीं आई है। और दूसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है चेन्नई सुपर किंग के हवाले से। आज की बड़ी खबर, चेन्नई सुपर किंग ने पहले दिन कल यानी 9 मार्च को पहले दिन प्रैक्टिस की और महेंद्र सिंह धोनी पहले दिन से ही प्रैक्टिस में शामिल हुए और अब उनके साथ डोमेस्टिक के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी शामिल हुए। जितने भी विजयसारी ट्रॉफी खेल रहे हैं वो उनके अलावा जितने भी खिलाड़ी बाकी हैं जिनकी टीम या तो हारी है या तो उनकी सिलेक्शन विजयसारी ट्रॉफी में नहीं हुए, सभी खिलाड़ी उस प्रैक्टिस में शामिल हुए हैं। अब 9 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक वो प्रैक्टिस जारी रहेगी, उसके बाद IPL 2021 खेलता हुआ दिखेगा। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है राहुल चहार के हवाले से। आज की बड़ी खबर, इंडिया के बहुत ही बेहतरीन लेग स्पिनर और बहुत ही खतरनाक गेंदबाज बन रहे हैं राहुल चहार, T20 सीरीज में उनको शामिल किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, वरुण चक्रवर्ती और राहुल तिवातिया दोनों खिलाड़ियों ने जो फिटनेस टेस्ट दिया था उसमें वो फेल हुए थे, उसके बाद अभी तक उनको बाहर नहीं किया गया है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल चहार को स्टैंड बाय के तौर पर उन खिलाड़ियों के स्टैंड बाय अगर वो खिलाड़ी 12 मार्च तक ठीक नहीं होते हैं तो राहुल चहार को उनकी जगह पर रिप्लेस किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रिप्लेस किया जाएगा तो वो राहुल चहार ही होंगे जो T20 सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे। और चौथी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही है विक्रम राठौड़ के हवाले से। इंडिया के बैटिंग कोच विक्रम राठौड़ के मुताबिक हम चाहते हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज 12 मार्च से 20 मार्च के बीच खेली जाएगी, इसमें जो आखिरी T20 मैच होगा उसके बाद हमारी जो वर्ल्ड कप की टीम वो पूरी तरह से तय हो जानी चाहिए, हम पूरी तरह से तैयार होने चाहिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में अब से 6 महीने का वक्त बचा है और हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसी सीरीज़ में हमें वर्ल्ड कप की टीम भी मिल जाए और IPL में उन्हीं खिलाड़ियों पर ज़्यादा नज़र रहेगी और जितने भी आने वाले T20 मैचेस होंगे उनमें हम उन्हीं खिलाड़ियों को तैयार करेंगे और हमारे कोशिश रहेगी कि T20 वर्ल्ड कप को जीतने की और इसी सीरीज से T20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू होगी और ये 12 मार्च से शुरू होगी। और पांचवी बड़ी खबर करो करें खबर निकल के आ रही विजय हजारे ट्रॉफी के हवाले से। आज की बड़ी खबर, विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनलिस्ट पूरी तरह से तय हो चुके हैं। अगर बात की जाए तो कल दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे तो एक तरफ से गुजरात और उत्तर प्रदेश सामने होंगे और दूसरी तरफ कर्नाटक और मुंबई एक दूसरे के सामने होंगे, यानी बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर फाइनल देखने को मिलेंगे। एक तरफ सबसे बेहतरीन क्वार्टर फाइनल कर्नाटक और मुंबई के बीच देखने को मिलेगा क्योंकि कर्नाटक की टीम बहुत ही बेहतरीन टीम है और मुंबई भी बहुत ही खतरनाक टीम है। पृथ्वी शॉ ने पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 185 रनों की पारी खेली थी और इसके अलावा अगर कर्नाटक की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज कर्नाटक की तरफ से भी खेलेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको शेड्यूल मिल सके। थैंक यू।